सो हे गाइस, कैसे हो और मजे में हो क्या? ओ भाई, मेरे पीछे कुछ तो गिर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ अभी? मुझे बिल्कुल पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन मुझे जाना चाहिए कि नहीं। तो चलो यार गाइस, जाके देख लेते कि मेरे पीछे एग्जैक्ट गिरा क्या है, और मैं अपने गेम को फर्स्ट पर्सन में कर लेता हूँ। और भाई यहाँ पे कुछ तो गिरा, कुछ तो हुआ है। और देखो कितना खतरनाक स्ट्रक्चर बना है यहाँ पे, और वहाँ पे चेस्ट भी है। तो मुझे इस चेस्ट को खोलना चाहिए कि नहीं चाहिए गाइस? क्योंकि कई बार होता है ना, हम चेस्ट को खोलते हैं और मर जाते हैं। तो मैं इस चेस्ट को खोल के देख ही लेता हूँ कि हुआ क्या है। वैसे भी मैं क्रिएटिव में हूँ, कुछ होगा नहीं। ओह गाइस, इसके अंदर तो दो बुक्स है और मुझको इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो चलो यार, इसके अंदर लिखा है बाय गॉड द गॉड गिव चैलेंज टू किल एंडर ड्रैगन क्लू नियर बाय विलेज। मतलब हमारे आसपास कोई विलेज है तो हमको विलेज को ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी बुक में लिखा है सेकंड क्लू सर्चिंग मोस्ट डीप इन द विलेज। मतलब गाइस, विलेज हमारे आसपास ही कोई विलेज है तो हमको इस विलेज को भी ढूंढना पड़ेगा। और इस जो चैलेंज है इसको हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो इस चैलेंज को हम एक्सेप्ट कर ही लेते तो जल्दी से मुझको यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। तो गाइस यार, बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ी सी डर्ट चाहिए होगी। डर्ट को तोड़ लेता हूँ मैं और यहाँ से बाहर निकलते हैं जल्दी से। और मुझे कुछ लकड़ियाँ भी चाहिए होगी, क्योंकि भाई अगर नाइट हो गई और मुझे विलेज नहीं मिला ना तो ज़ॉम्बी आकर मुझे मार देंगे। तो जल्दी जल्दी से मैं लकड़ियों को भी तोड़ लेता हूँ और प्लैंक्स बना लेता हूँ। तो और गाइस अभी बना लेता हूँ थोड़ी सी स्टिक्स, और एक पिकेक्स भी बना लेता हूँ, और एक सॉल्ट भी बना लेता हूँ। तो अभी हमको विलेज ढूंढना पड़ेगा। और मुझे अभी तक स्टिल यार गाइस विलेज नहीं मिला है, तो जल्दी से विलेज मिल जाए तो, क्योंकि भाई नाइट हो गई और ज़ॉम्बी बाहर घूम रहे होंगे। तो गाइस विलेज भी मिल गया मुझे, तो हमको इस विलेज के अंदर ना गाइस जो सबसे डीप चीज़ है ना वो ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन नाइट हो गया है तो अभी सबसे पहले हमको किसी विलेजर के घर के अंदर जाके बेड को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हमको अभी नाइट के अंदर सोना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे एक चेस्ट है, तो चेस्ट को खोल के देखते तो इसके अंदर तो सब कुछ बेकार का ही सामान पड़ा है। तो अब जल्दी सो जाते हैं, और सोने के बाद हमको कल सुबह ना गाइस बहुत काम करना है। तो हमको इस विलेज के अंदर सर्चिंग द मोस्ट डीप इन द विलेज, मतलब हमको इस विलेज के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा डीप में होगा ना उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ पे खाने की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है, यहाँ पे खाना बहुत है। और मुझे अभी ज़ॉम्बी का भी डर नहीं, क्योंकि नाइट होगी तो मैं घर के अंदर चला जाऊँगा और कोई भी ज़ॉम्बी मुझे मार नहीं पाएगा। तो सबसे पहले यार मुझे इस विलेज के अंदर ना मोस्ट डीप चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। और जब से मैं इस विलेज के अंदर आया हूँ ना गाइस, तब से सारे के सारे विलेजर्स घर के बाहर ही थे। नाइट हुई तब भी घर के बाहर थे, और अभी डे के अंदर भी घर के बाहर है। मेरे ख्याल से ये ट्रेडिंग करते हैं, इसके ख्याल से ये घर के बाहर ही रहते हैं। तो मुझे एक मतलब सबसे मोस्ट डीप क्या होगा विलेज के अंदर गाइस, सोचना पड़ेगा। तो क्या हो सकता है विलेज के अंदर सबसे डीप? तो मैंने बहुत ढूंढा और उसके बाद मुझे मिला कुआ गाइस। तो विलेज के अंदर सबसे डीप में हो सकता है क्योंकि कुआ, क्योंकि बुक में भी लिखा था कि सब मोस्ट डीप, और कोई भी विलेजर का घर इतना डीप में नहीं होता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सी लेटरन लगाया हुआ है, तो इसको तोड़ लेते हैं। और गाइस इसके नीचे जाने के लिए रास्ता है, और भाई मेरी सांसें अभी टूटने वाली है। और भाई मैं आ गया फिर से मुझे नीचे जाना पड़ेगा। और नीचे कुछ तो है गाइस, क्या है? और भाई वो वहाँ पे कुछ तो लगा हुआ था, टॉर्च लगी थी और एक बेल लगी थी। और मेरा अभी दम घुटने लगा मेरा, मुझे जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा नहीं तो मैं यहीं पे मर जाऊँगा और मेरा सर्वाइवल कट हो जाएगा। तो फिर से जाते एक नीचे सांस लेके, और वहाँ पे जो मतलब सी लेटरन था ना उसके नीचे कुछ तो साइन बोर्ड लगा हुआ था, तो हमको सबसे पहले उसके नीचे जाके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे है क्या असल में। तो सबसे पहले यार नीचे जा, अटक गया था तो अभी नीचे जा रहा हूँ। और साइन बोर्ड, ओ गाइस साइन बोर्ड है ना यहाँ पे, ओ तो इस साइन बोर्ड के यूजेस से हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी मैं मतलब यहाँ पे सांस ले सकता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। और यहाँ पे स्टोन है भाई, यहाँ पे भी साइन बोर्ड लगे हैं, और इन स्टोन को मैं तोड़ लेता हूँ। और भाई यहाँ पे बेल और टॉर्च जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो देखता हूँ और नीचे क्या है। और भाई नीचे चेस्ट है, और गाइस यार चेस्ट के अंदर तो क्या ही गजब की लूट पड़ी हुई है। हमको एक शील्ड भी मिल गई, एक वेस्ट भी मिल गया, मतलब एक आर्मर मिल गया, और एक कैप मिल गई, और एक बुक भी मिल गई है। तो चलो यार सबसे पहले ना आर्मर को हम पहन लेते और कैप को भी पहन लेते। और जो बुक लिखी हुई थी ना, तो उस बुक को पढ़ते कि उस बुक के अंदर क्या लिखा है। सर्चिंग क्लॉक टावर बाय गॉड, मतलब हमको इस विलेज के अंदर एक क्लॉक टावर भी ढूंढना है जो हमको मतलब अगला क्लू देने वाला है। तो चलो यार सबसे पहले इस कुएं के बाहर निकलते और उस क्लॉक टावर को ढूंढते। और नाइट भी हो गई तो मुझे जल्दी जल्दी उस क्लॉक टावर को ढूंढना पड़ेगा। और क्लॉक टावर मतलब विलेज के अंदर ही है तो आसपास ही कहीं पे होगा।
और मुझे कुछ तो क्लॉक टावर जैसा दिख रहा है, शायद वही क्लॉक टावर हो। हाँ तो गाइज मुझे हाँ गाइज वही क्लॉक टावर है। तो चलो सबसे पहले क्लॉक टावर के अंदर जाते हैं, और हमको ना गाइज सोना पड़ेगा क्योंकि नाइट हो गई और ज़ॉम्बी बाहर घूम रहे होंगे, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इस क्लॉक टावर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर एक बेड मिल जाए, और गाइज बेड भी मिल गया है। सबसे पहले यार सो जाते हैं गाइज क्योंकि नाइट हो गई है और बाहर ज़ॉम्बी घूम रहे होंगे तो वो मुझे मार देंगे, उससे बेहतर है कि मैं सो जाऊँ। तो अभी डे हो गया और मैं अभी बाहर जाके देखता हूँ कि उस क्लॉक को हिला के देखता हूँ उसके अंदर कुछ तो है तो नहीं ना। और भाई क्लॉक तो सही में मतलब अच्छी क्लॉक है। आप मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लॉक को हिला के देखता हूँ अच्छी क्लॉक है और कुछ भी नहीं हुआ। तो अंदर जाता हूँ बेड पे, मतलब यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल है, इसको तोड़ के देखता हूँ कुछ मिल जाए इससे। तो इसके अंदर हमको कुछ भी नहीं मिला गाइज, और कुछ तो था गाइज ऊपर लीवर, एक लीवर है इसको दबा के देखते हैं। और लीवर को दबाया मैंने और मुझे यहाँ से कोने से साउंड आई, तो इसको तोड़ते हैं क्राफ्टिंग टेबल के नीचे से। और गाइज इसके अंदर जाने के लिए रास्ता है एक, और भाई सीढ़ियाँ भी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे अंदर क्या क्या है, और भाई यहाँ पे एक चेस्ट है, अभी देखते हैं चेस्ट के अंदर क्या है। मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट है कि यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है। तो हमको एंडर आई मिल गई और एक बुक मिल गई, तो हम मैं अपने तीनों बुक के इसके अंदर रख देता हूँ, और जो हमको सामान मिला है ना उसको ले लेता हूँ। ओ भाई इस स्वॉर्ड के अंदर क्या क्या लगा हुआ है, और मुझे ठीक से पढ़ा भी नहीं। स्मिटिंग, लूटिंग, अनब्रेकिंग, नॉकमेक, ओ भाई खतरनाक चीज़ें इसके अंदर लगी हुई है, अब मज़ा आने वाला है हमको। और भाई जल्दी से मैं इसके ऊपर चढ़ जाता हूँ, इसके लिए और एक बुक है ना इसको भी पढ़ लेता हूँ। सर्चिंग नेदर पोल्टर, गॉड इज़ हैप्पी, भाई मतलब। और गाइज आप देख रहे हो जो मैं मतलब सर्वाइवल में था तो अचानक से क्रिएटिव में आ गया, मतलब हमारी पावर हमको मिल गई है और अभी हमको एंडर ड्रैगन को मारना है। तो इसके अंदर मतलब हमको जो बोला गया था पोर्टल को ढूंढना, तो पोर्टल को ढूंढते हैं और वो पोर्टल भी मिल गया हमको। तो चलो जाके पोर्टल को ढूंढते कि इसके अंदर ऐसा क्या है जो हमको गॉड ने ढूंढने के लिए बोला था। और क्रिएटिव में आ गए हैं तो हम जल्दी से जल्दी मतलब अभी एंडर ड्रैगन को भी मार सकते हैं। तो लेकिन इस चेस्ट के अंदर क्या है, तो गाइस ऐसा ना हो कि मैं इस चेस्ट को खोलूं और डायरेक्ट मर जाऊं, मतलब क्रिएटिव के अंदर भी मर जाऊं, पता नहीं कुछ भी हो सकता है, लेकिन खोल के तो देखना ही। ओ भाई गजब की लूट पड़ी है इसके अंदर, तो अभी मज़ा आएगा ना बिडू, मतलब देखो ना यार गाइस कितना सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। और गाइस आर्मर पड़ा हुआ है, ओ भाई ये क्या था, और ये ओ बो शूज और एक पैंट मिल गई हमको, और ये क्या है शॉवल भी मिल गया है। और हमको एंड पोर्टल में जाने के लिए मतलब अभी जाने की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि अभी हम खुद का ही बना सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिव के अंदर हम कभी भी कहीं भी जा सकते हैं ना। तो सबसे पहले यार मैं जो मतलब कचरा था उसको फेंकता हूँ, और नया वाला जो भी हमको लेटेस्ट सामान मिला उसको पहन लेता हूँ। और भाई क्या ही गजब लग रहा है मेरा बंदा। तो चलो यार मतलब हमको एक शील्ड भी मिली थी, लेकिन हमको शील्ड को लगाना चाहिए कि नहीं, छोड़ो क्रिएटिव में अभी क्या लगा के फ़ायदा। तो अभी जाते एंडर ड्रैगन को मारने के लिए, और एंडर ड्रैगन को मार के ना जो हमारा मिशन था ना, मतलब जो हमको गॉड ने वो चैलेंज दिया था, उस चैलेंज को कंप्लीट कर देंगे। तो शील्ड को लगा ही देता होगा इस, क्योंकि इन्वेंटरी में लगा रखने से अच्छा है कि इसको लगा दूँ। और अभी जाएंगे हम एंडर ड्रैगन को मारने के लिए। तो सबसे पहले यार मुझे एंड पोर्टल बनाना पड़ेगा ना, तो सबसे पहले यार मुझे एंड पोर्टल बनाना पड़ेगा। तो एंड पोर्टल के लिए क्या क्या लगता है, और इधर हमारा एंड पोर्टल बनने ही वाला है अभी, और बन गया, बन जा भाई, हाँ बन गया भाई। और गाइस एंटर आई भी मिल गई थी हमको, सर्वाइवल में भी मिल गई थी। तो अभी चलते हैं नीचे, और गाइस अभी ये बन रहा है, और गाइस बन गया, हम एंडर ड्रैगन के पास स्पॉन हो चुके हैं, और अभी हमको मारना है एंडर ड्रैगन को। और गाइस एंडर ड्रैगन को मारने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि भाई हम पहली बार आज क्रिएटिव में एंडर ड्रैगन को मारने वाले। तो सबसे पहले यार हमारे बो को टेस्ट कर दे, और गाइज क्या ही मार रही है ना वो उस एंटर ड्रैगन के, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ से एंटर ड्रैगन पावर लेता है उसको क्या ही मार रही है। तो अभी मज़ा आएगा। और गाइज जो आखिरी बच्चा है उसे ही मारने वाला हूँ, मतलब तोड़ने वाला हूँ, वो भी टूट गया है, अभी एंटर ड्रैगन को मारेंगे। और भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना बार बार जैसे कि एंटर ड्रैगन ना मेरे थाली में परोसा गया है और मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ, क्योंकि भाई कब से ना मैं यहीं पे खड़ा हूँ और एंडर ड्रैगन आता है बैठता है, मैं उसको मारता हूँ, बेचारा डैमेज लेता है और जाता है, मुझे कुछ कर भी नहीं पाता है। और गाइज मैंने जैसे यार आखिरी वाला मतलब अपने धनुष बाण से मारा ना,
तो मर गया भाई एंडर ड्रैगन, रनिंग शॉट मार दिया तुम्हारे भाई ने। आई होप गाइज यार तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी ना तो अभी के अभी लाइक करो, शेयर करो, जो भी लोग न्यू देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ऑल पे, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुम सबको मिल सके। और गाइज मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में, गाइज ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है, तो सब्सक्राइब कर देना और भूलना बिल्कुल भी नहीं।